हरियाणा के करनाल जिले का गांव गोली, यहां पर जो बैरागी जाति के लोग रहते हैं उनमें लगभग 15 गोत्र हैं जो कि जाट, ब्राह्मण और राजपूत जातियों से बैरागी बने थे। इनमें ढूड़ गोत्र, मढ़ाड़ गोत्र, नैम, गौतम, फोगणा, अहलावत, मलिक, भूरा, खत्री, दूहन, तूर, जागलान, बिछड़ा और कंडेर गोत्र के लोग रहते हैं। आइए इस गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं किस तरह बने थे ये बैरागी। जो जमीन भी लिकड़ी है और रास्ता माल में बतावे हैं आए हो रहा है भाई, तुम अपनी जमीन ने एक कूड़े लाया हो बिला भाई थारी ये है थारे कूड़े लाए। 1885 में इसकी नींव जाति की पड़ी, जाति के रूप में अस्तित्व में। हाँ, 1885 में। ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और साथियों आज पहुंचे हैं करनाल जिले के गांव गोली में। गांव गोली जो है बैरागी बहुल्य जाति का गांव है और इस गांव में जो बैरागी हैं 15 से ज़्यादा गोत्र के लोग हैं और ये जो गोत्र हैं ज़्यादातर जाट जाति के साथ मिलते हुए गोत्र हैं। तो क्यों कर ये बैरागी बने, तो बहुत से साथी आज के टाइम में कमेंट कर दे रहे हैं जातिवाद के ऊपर कि मारी जाति बड़ी, मारी जाति बड़ी। जाति कोई बड़ी नहीं है, भगवान ने इंसान को पैदा करा था और इंसानों में से आगे जातियां पैदा हुई। तो किस तरह से बैरागी बने थे और किस तरह से गांव बसा था, इस गांव के लोगों से बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो अपना गांव जो गोली है, सबसे पहले गांव से बात करेंगे, गांव गोली क्यों कर बसा था, किसने शुरुआत करी थी इस गांव को बसाने की? ये जी एक बाबा हिरानंद आए यहाँ। अच्छा। तो उसने मतलब पहले आदमियों की तो कमी थी, ये मंदिर था यहाँ, कुछ लोग पाई से आगे जाट उन आगे मंदिर में कंठी पहन लिया, कुछ कालम से आगे फिर उनके साथ और जाति भी लिया, जैसे लुहार भी चाहिए, चमार भी चाहिए, सारे काम कुछ फिर सालवन से आए, मतलब ऐसे आया मतलब बाबा ने उनको जमीन दी रहने के लिए मकान दिए। हाँ, ये शुरुआत है। तो टोटल कौन कौन से गोत्र के लोग रहे? गोत्र है जी ढोल है, मडाड है, मलिक है, नैन है, गौतम अलावत हैं, मतलब और भी कई हैं, फोगना है, एक और ये अपने लिखे थे कौन सा बिछला है, 14-15 गोत्र हैं। हाँ, ज्यादातर तो जाटों में जाटों में ज्यादातर, जैसे मडाड़ है, मडाड़ राजपूतों में, राजपूत से हैं, और गौतम है, गौतम भी पंडितों में से हैं। हाँ, तो साथियों देख सको कि जो जातियां हैं खासकर जो यहाँ पर बैरागी जाति है, मड़ाड़ हैं, राजपूतों में से भी हैं, जाटों में से भी, ब्राह्मणों में से भी हैं, तो सारी जातियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज के टाइम में के कुछ व्यवस्था है गांव की, कितनी आबादी है, कितने वोट हैं गांव में? आबादी तो 5,500 के करीब आबादी है और 3,300-3,400 वोट हैं। हाँ, रकबा कितना गाँव का? रकबा 12,000 है, जिसमें 12,500 ले लो, 12,000 है। हाँ, प्रत्येक घर पे है, कोई भी जाती है सबको मिल रही है इस टाइम तो थोड़ी थोड़ी। अपना कौन सा गोत्र है? हमारा डोल है। हाँ, तो अपने डोल है जो कहाँ से चल रहे थे कुछ पता है? ये जी पाई से चले थे, एक आशा आशा कहा कर दी उसने आशे के, वो आया उसने मंदिर में कंठी पहन ली तो वहाँ से बैराग धारण कर लिया था उसने। तो अपने जो डोल है ना वो इबलग न्यू मानते आए कि डोल जो गोत्र है केवल जाट्टा में है और कड़िए नहीं। मैंने पहला भी एक दिन आया था, मैंने न्यू डाली थी पोस्ट बैरागी बैरागी, हमें बैरागी तो जाटों में से बने हुए हैं ना। तो कुकर आया था अपना बुजुर्ग, कुछ कहानी पता है उसका? इसके बारे में नहीं पता जी, वैसे आए थे पाई से। अच्छा। पूरा आए नहीं, मैं तो पाई तो आए थे। हाँ, पाई तो आए थे, बैरागी यही बने थे और कहीं नहीं बने, बैरागी जो बने हैं नी तो गोल्डी मह के बने हैं। और कितने घर हो रहे हैं? उरा जी 45 घर के करीब है। कहीं एक पीढ़ी होगी होंगी, कुछ नहीं तो पता होगा, कहीं एक पीढ़ी जी 4-5 पीढ़ियाँ का तो मैंने बेरा है, जो हमारे दादा का दादा यही था और तो आगे अगली का आसाराम से कमी पीढ़ी होगी कुछ पता उसको? नहीं, उसके बारे में नहीं पता जी, हमने तो अपने परदादा से पता है। हाँ, जैसे डूढ़ों में तो पीढ़ियों का पूरा वो है, कौन सी इस्तेमाल में जमीन भी निकली है वहाँ, फिर गए नहीं उस टाइम, जरूरत नहीं थी जमीन की तो, क्योंकि कुछ पता लग गया कौन से परिवार में था पाई में।
ये नहीं पता जी, उन बुढ़िया को जानते थे हम, आया करते तो भूल भल गया, आना जाना बंद हो गया। पहले पैदल आया करते, सारे सिस्टम होया करते, ब्याह शादी में आया करते, ये भी नहीं। और जो ब्रैगी हैं उनको अपना आस पास में को पता है जिनसे कड़कड़ता आए हुए हैं? उरा ये तो राजपूत तो सलवन से आए हुए हैं, ये जो मलिक हैं ये सुहाइया से, सुहाए से किंगत आए थे, नाम सुहाई है उनका। ये पंची शहरे हैं। कहाँ से जी? पंची शहरे हैं जी। हम सब उत्तर है महाराज जी, सब राम खतरी हैं। खतरी? हाँ जी। जट्टा मत है? जट्टा जी ब्रैगी है तो हम ब्रैगी तो है। जो खतरी है वहाँ से आए थे? नहीं, कौन सी बरादरी में आए थे? बस के पता भी कुर्सी थी पहला हम दौरी आ गए, क्या मारे आगे जी पांच फीट डी आली मारे आगे उड़ा जी। हाँ हाँ जी। हैं वो खतरी है ना जो से जहाँ ते आए थे वहाँ कौन सी जात के हैं? माँ जी ज़्यादातर ये हैं जी, हाँ खतरी। हाँ जी, कोई कड़ी शहर है, कोई कहीं शहर है, सारे अलग अलग गोते हैं जी गांव में जी। हाँ जो भी अलग है हाँ जाट भी है। हाँ ब्रैगी भी हैं, जाट भी है, भी हैं ब्रैगी। हाँ है जी। एक एक उत्तर बढ़िया था अपना बड़े रूप बताओ। देखो जी इतना तो पता नहीं पता जाट ब्रैगी कट्टे हो कहीं पीटी हो ली जी अलाते हैं उड़ दो एक बुक के मारा तो जन्म यहीं का जी कहीं पिटी हो ली नहीं वो बड़े बड़े कम दिन के आए हो इसके बाप रे आए अरे वहाँ ताऊ कौन से गोत के हैं? ये डूला है, ये भी डूला है। और भी कौन से गोत हुआ? कौन से गोत है? गौतम है, वो भाई है। गौतम में कौन से कहाँ से आए हुए हैं? वो बैठे पास लगा नहीं है तेने भी नहीं पता सुरता बताओ उसे जगह के अजी गौतम कुटता आए थे गौतम है वो कालंता है कालंता जगह है कालंतम तान नहीं आए थे उड़ा गौतम है। हाँ जी मुसलमान भी रहे हैं उरे रहे थे काफी कई साल काफी साल जानकारी है उनके बारे में? उनके बारे में कोई थोड़ी जानकारी बड़े बड़े बता करते यार कोल पोल ला करते न्यू हां खान ब्रैगी हैं तो पहला देख ब्रैगी थे उनके बीच में उन तो पहले ब्रैगी आने तो हां उन तो पहले थे। अच्छा हां मतलब खेड़ा पहला आबाद हो लिया था हां खेड़ा पहले आबाद हो लिया था फिर वो मुसलमान सारे बात बूझ के फिर यहां बाबा ने इकट्ठे करके सारे हिंदू बसाए दिया। अच्छा हां तो मुसलमान चले गए फिर अपने हिंदू हिंदू बसाए सारे मुसलमान बात थे तो मडाड़ गोत्र के राजपूत थे हैं तो राजपूत में तो ब्रैगी कुकर बने अपने मंदिर में रह लिया था ब्रैगी बन गया कौन सा बुजुर्ग बनया था ब्रैगी हमने कह मेरा भाई वो तो हमने देखा नहीं हो नहीं दत्तू बताओ हैं दत्तू सत्तू दत्तू सत्तू नहीं मैंने दो थे एक तो आड़ ब्रैगी बन गया एक और रह लिया उठाना जाना है सड़वन वाले भाईचारा गला हाँ खूब उन्हें थारे टापर की ऐसा है नहीं तो आना जाना है ब्याह से भाई जाना है। राम राम तो राम राम भाई कौन सा गोत है अपना डोल डोल अच्छा कुकर आए थे अपने डोल गए बेरा नहीं भाई कोई बड़े आए थे ये थे पाई थे बाण पाई था आए थे कौन सा गोत आया था पता ना भाई कोई पता नहीं बहुत पुरानी बात है नहीं बहुत पुरानी बात है नहीं याद नहीं पुरानी बात आने जाने छूट गए गए नहीं बोर्ड के कहते हम ना तो गए नहीं मारे बड़े भी नहीं गए जमीन भी लिकड़ी है और रास्ता मालूम बतावा है आए हो रहा है भाई तुम अपनी जमीन ने एक कूड़े लाया हो बोला भाई सारी ये है सारे कूड़े लाए एक कूड़े भी कौन लाए गए थे भाई एक आदमी से वो कर दिए ये ब्रैगी हैं
क्यूकर ब्रैगी बने लाद चल रही फिर क्यूकर क्यूकर हो जी झूठ बोलना कुछ बोले नहीं तीन इतिहास मेरे पास तो झूठ बुला के तो लाइन बनाऊंगा दूसरी बना ना जो तुमने बेरा है वो बता स्वामी रामानंद पहले रामानंद स्वामी हुआ है पढ़िया लिखा है तने भी बेरा होगा जी तो उठा रहा तो मेरे तो घना पढ़ रहा था ब्रयाग जो ब्रयागी है ना जो आज के टाइम के करते चलते थे कुकर स्वामी रामानंद ने प्रथा रची थी स्वामी रामानंद दस वर्ण बनाए थे नानक भी उसका चेला था और यू रविदास कुमार भी उसका चेला था धन्ना भगत भी उसका चेला था और यह ब्रयागी भी उसके चेले थे ओलत न्यू तो लावत ये न्यू ब्रयागी चेले हैं वहाँ से रामानुज रामानंद के इनका कंठी पे भी रड़ा होया करता इनका तिलम पिंडियाना साफी पे भी रड़ा होया करता साफी पे तिलम पिंडियाना कौन सी साफी है तेरी रामानंदी है कि रामानुजी उस पर तो साफी पौधा और ये बन के नहीं आए थे लिखड़िया कोई जाटा में तो कोई गुजरा में तो कोई ब्राह्मणा में तो इन्हें को मामले लिखड़े है ज्यादातर तो आज के टाइम में जो ब्रैगी जाति है कड़ा कड़ा है क्यूकर क्यूकर अस्तित्व में आई कितने साल पुरानी है यार अजीब न्यू है दूसरी झेड़ दी न्यू अस्तित्व तो न्यू है पहले तो आप बड़ी रामानंद तो बताए तेने कौम बन गया वहाँ से कौम की जड़ हुई उससे पहले वर्ण कहा करते थे वर्ण फिर यह बनी सन फिर 1885 में इसकी नींव जाति की पड़ी जाति के रूप में अस्तित्व में हाँ 1885 में अरे वो थप्पड़ हाँ ले रहा तो देख भी ले 1885 नहीं पाओ वो थप्पड़ हमें पाच गया अस्तित्व में आई फिर यू 34-35 में यू आया नहीं सर छोटू राम उसने खुद है कहा भाई तुम केस कर दो और तुम बाल हो जाओगे फिर इनने रड़ मिल के केस कराया केस करके फिर ये जीते बिल कह रहे गोल्डी में सर छोटू राम बला था अरे उसका फिर जितना पशु जलसा करा था बड़ा बाग वहा था मत का जरे निशा ले गया खेत से अरे 12 बीघा में वो बाग था बड़ा बाग का अगले समझ गया तो ये लग था इस्तेमाल मेरा देखा है बाग उसमें आया था उसमें जलसा हुआ था उसका न्यू था कि मेरे क्या भाई कुहाड़ा अब यू न्यूज है अगी फिर अपने आप अस्तित्व में आएगी फिर कौम का नाम पड़ गया रही फिर बरादरी की भाई उत्थान की बात फिर ब्याह शादी भी लग गया अग्नि है कोई जाट बहू वाला ही बन गया था मैं तो ब्रयागी बनूंगा कोई कुछ देर बहू वाला ही बन गया था औलाद मैं तो ब्रयागी बनूंगा मंदिर में जाकर कंठी बंधा ले था अग्नि है एकदम मंदे होया बात तो जी बहू वाला था फिर हो तो फिर जननी तो औरतें तो है न्यू बरादरी का इसका जखीरा था अरुण जी विराग शब्द मेरी में इससे बड़ा कोई शायद नहीं चारों वेद चार विरागियां लिखे ऋग वेद भी यजुर्वेद भी श्याम वेद भी अथर्ववेद भी अग्नि वायु आदित्य अंगिरा चारों ऋषि थे स्वामी थे विरागी थे वो पहले